हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक्स। आज हम रिव्यू करेंगे मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड को। तो पहले इसके जस्ट बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, फंड 2010 में लॉन्च हुआ था, जुलाई 9, 2010 में फंड लॉन्च हुआ था। फंड का जो अगर बेंचमार्क की बात करें तो फंड को हम कंपेयर करते हैं निफ्टी फ्री फ्लोट मिड कैप 100 से। फंड्स के अब रिटर्न्स की बात करते हैं तो फंड अगर सिंस इंसेप्शन से बात करें तो फंड ने सिंस इंसेप्शन से जो रिटर्न्स दिए है दैट इज़ द 24.11%। अब काफ़ी इन्वेस्टर्स जिनसे मैं मिलता हूँ उनको कुछ चीज़ें नहीं मालूम चाहती जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ टर्नओवर रेशो के बारे में। बेसिकली टर्न आपने देखा होगा, जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या आर्टिकल्स में देखते हो तो आपको देखा होगा कि टर्नओवर रेशो लिखा रहता है। तो टर्नओवर रेशो बेसिकली होती क्या है कि मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे फंड्स में मेरा एक पर्टिकुलर फंड है, उस फंड में मेरी होल्डिंग है 50 स्टॉक्स की, मतलब उस पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक्स की होल्डिंग है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे फंड का टर्नओवर रेशो है 100%, यानी उन 50 के 50 स्टॉक्स को मैं एक बार बाय और सेल कर दूंगा, यानी उन पोर्टफोलियो पे उस पूरे स्टॉक्स पर मैं एक बार चर्निंग कर लूंगा पूरे स्टॉक्स होल्डिंग पर, तो दैट इज द टर्नओवर रेशो। तो अगर मैं मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड की बात करूं दैट इज द 82% टर्नओवर रेशो, यहां पे 82% है, दैट इज द गुड एक्चुअली। बेसिकली जितना, बट मैं आपको एक बात और बता दूं, टर्नओवर रेशो जितना ज्यादा हाई होगा उसका कॉस्ट भी उतना ज्यादा ही होगा और वो कॉस्ट आपके रिटर्न से ही एडजस्ट होती है। बट अगर मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी में टर्नओवर रेशो काफी हाई होती है, तो कंपैरेटिवली अपने पीयर कंपैरिजन में मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड का टर्नओवर रेशो काफी कम है, दैट इज द गुड थिंग एक्चुअली। तो टर्नओवर रेशो अगर बात करें तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड का टर्नओवर रेशो दैट इज द 82%। अब फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें, जैसे मैंने आने वाली पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को कंपैरिजन करते हैं या आपका इन्वेस्टर्स या आप खुद भी देखते हो न्यूज़पेपर में, तो आप हमेशा एनुअल रिटर्न्स देखते हो या आपका एडवाइजर भी आपको एनुअल रिटर्न्स ही दिखाता है। बट एनुअल रिटर्न्स या बेसिकली एनुअल रिटर्न्स जो आप देखते हैं दैट इज नॉट द एक्चुअल रिटर्न। आप कभी भी जब इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करने से पहले जब रिटर्न्स को कंपेयर करते हो तो आपको हमेशा ट्रेलिंग रिटर्न्स ही कंपेयर करने चाहिए। बेसिकली ट्रेलिंग रिटर्न्स होता क्या है, ट्रेलिंग रिटर्न्स आपका पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होता है, और जब हम एनुअल रिटर्न्स की बात करते हैं या कैलेंडर रिटर्न्स की बात करते हैं दैट इज दी एक फिक्स रिटर्न, फिक्स पीरियड का रिटर्न होता है। तो ट्रेलिंग रिटर्न आपको पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न बताता है। अगर मैं बोलता हूँ फंड्स का ट्रेलिंग रिटर्न, यानी मैं मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड की बात करूँ तो मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड का ट्रेलिंग रिटर्न जो है, फंड का 3 साल का अगर मैं ट्रेलिंग रिटर्न लेता हूँ तो वो 29.05 है। वहीं निफ्टी फ्री फ्लोट मिड कैप 100 यानी उसके इंडेक्स की बात करें तो दैट इज द 16.89%। तो कंपैरेटिवली मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड उसका ट्रेलिंग रिटर्न कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है, काफ़ी अच्छा है। और अगर सिंस इंसेप्शन से बात करें या फंड के लॉन्चिंग डेट से भी बात करें तो फंड का ट्रेलिंग रिटर्न 13.98 है, और वहीं बेंचमार्क ने सिर्फ 17.37% का ट्रेलिंग रिटर्न दिया है। तो अब अगले कुछ इंपॉर्टेंट रेशोस की बात करते हैं। रेशोस के बारे में भी मैं आपको SBI ब्लूचिप फंड जब मैंने रिव्यू दिया था उसमें बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले रेशोज के बारे में जो बात करते हैं दैट इज दी बीटा रेशो, जो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली बीटा होता क्या है, बीटा को आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो कि अगर मार्केट में कुछ भी अगर सपोज करो मैंने बेंचमार्क लिया है, एक पर्टिकुलर बेंचमार्क लिया है, उस बेंचमार्क में या मेरे मार्केट में जितना भी परफॉर्मेंस देता है कंपेरेटिवली प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मेरा फंड कितना रिटर्न देता है। अगर मैं बोलता हूँ मेरे फंड का बीटा है 1.2 और अगर मार्केट बढ़ता है यानी मार्केट में उछाल आता है और मार्केट आपका 100% से बढ़ता है तो वहीं मेरा फंड जो रिटर्न देगा दैट वो आपको देगा 120% का रिटर्न, यानी मेरा अगर मार्केट बढ़ता है 100% से तो फंड रिटर्न देगा आपको 120% से अगर मेरा फंड का बीटा है 1.2। तो वहीं अगर फंड गिरता है आपका 100% से तो मेरा अगर फंड मान लीजिए आपने बोला कि मार्केट टूटता है 10% से तो वहीं आपका फंड जो टूटेगा वो टूटेगा 12% से क्योंकि आपके फंड का बीटा है 1.2। तो कंपेयर आपके मार्केट का जो बेसिकली मार्केट में जो चेंजेस होते हैं, मार्केट में जो रिटर्न्स आते हैं उन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपका फंड कितना रिटर्न देता है वो बीटा बताता है आपको। तो बीटा आप, लेकिन अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर है, अपने पैसे पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो लेकिन रिटर्न ज़्यादा कमाना चाहते हो तो आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए आपका बीटा कम हो, यानी 1 से कम हो। तो जितना कम हो 1 से उतना ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। अगर मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप बट की ब्लूचिप फंड की बात करें तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड का जो बीटा है दैट इज़ दी 0.83 जो कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा है।
अप फंड की बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की. स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली होता क्या है कि आपका इट्स अ वोलेटिलिटी मेजरमेंट टूल, एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपको सजेस्ट करता है कि आपके फंड का एक रेंज को डिफाइन करता है. तो अगर मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं बोलता हूँ 13.95%, तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि मान लीजिए मेरे फंड का जो एवरेज रिटर्न है 30% का है, तो आप इसे इस तरह से बोल सकते हो कि फंड ने आपको 17% से लेके आप 30% तक का रिटर्न दिया है. मतलब एक रेंज को डिफाइन करता है स्टैंडर्ड डेविएशन. फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना जितना भी कम हो उतना अच्छा होता है. लेकिन अगर मिड कैप कैटेगरी में, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी एक हाई रिस्क कैटेगरी है और रिटर्न्स भी ज़्यादा आते हैं, तो बेसिकली मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी का जो एवरेज है डेट इज 17.6%. कंपेरेटिवली आपके मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन डेट इज 13.95 काफ़ी अच्छा है. अब तीसरा जो जरूरी है, वैसे तो आप देख सकते हो सार्प रेशो, टेनर रेशो, शॉर्टनर रेशो, काफ़ी सारी रेशोस है, लेकिन इन रेशोस के बारे में मैं आगे कभी बताऊंगा आपको वीडियोस में. बट जो जरूरी रेशोस है मैं वो आपको बता रहा हूँ. फंड का अल्फा की बात करते हैं, जेंसन अल्फा, तो अल्फा कितना है. अब फंड का अगर अल्फा की बात करें, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड का अल्फा है डेट इज 9.26. अल्फा को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अल्फा डिफाइंस एक्चुअली द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड मैनेजर. कि सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मेरे फंड ने, मतलब इक्विटी मिड कैप फंड्स बेंचमार्क ने 10% का रिटर्न दिया, लेकिन मेरे फंड का अल्फा है 9.26. तो अगर मार्केट में रिटर्न्स मिल रहा है 10%, तो आपके फंड रिटर्न देगा 19.26%. तो एक्सीडिंगली जो भी रिटर्न्स देता है दैट इज द अल्फा फॉर द फंड. तो अल्फा जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो उतना अच्छा रहता है. तो दैट इज द रेशोस बेसिकली. आप फंड को जब सेलेक्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए. और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप अपनी रेशोस में काफ़ी अच्छा खड़ा उतरता है. अब बात करते हैं सेक्टर होल्डिंग्स की और कंपनी होल्डिंग्स की. अगर फंड्स के, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के सेक्टर होल्डिंग्स की बात करें, तो मैक्सिमम जो पैसा है वो बैंक्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनी, सीमेंट्स में, टायर एलाइट्स में और आईटी सर्विसेज, जो काफ़ी सेफ सेक्टर्स माने जाते हैं, उसमें लगा हुआ है. और फंड की सबसे खास बात है ये है कि फंड बेसिकली मिस्टर नीलेश सराना वो हैंडल दिस पोर्टफोलियो. ये फंड बेसिकली कभी भी आपके पैसे को जिन उन कंपनीज में, जो टीनी साइज्ड कंपनीज होती है, जहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ से कम होता है, उन कंपनीज में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है. सिर्फ उन्हीं वैल्यूड कंपनीज में जिनका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है, कैश फ्लो पोजिशन काफ़ी अच्छी है, और आगे जाके वो बेसिकली लार्ज कैप कैपिटल कंपनी में तब्दील हो सकते हैं, उन्हीं कंपनीज में फंड इन्वेस्ट करता है. तो दिस इज द गुड थिंग फॉर विद दिस फंड. अब फंड की अगर कंपनी होल्डिंग्स की बात करें, तो फंड्स का जो बेसिकली जो टॉप 5 होल्डिंग्स है डेट इज द फेडरल, सीएट, आईसीसी बैंक लिमिटेड, इंडसइंड और कोटक महिंद्रा. इसका मैक्सिमम पैसा इन्हीं 5 कंपनीज में लगा हुआ है, यानी लगभग पूरे पोर्टफोलियो का 18% पैसा इन्हीं 5 कंपनीज में लगा हुआ है. अब बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की. फंड की अगर क्रिसिल म्यूचुअल फंड की रैंकिंग की बात करें, तो कंसिस्टेंटली फंड लास्ट 3 साल से मिड कैप कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पर है. मैं यहाँ पे डायरेक्ट फंड को कंपेयर कर रहा हूँ. तो बेसिकली फंड को अगर एक्सपेंस रेशो की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर फंड को आप जब परचेज करते हो तो उसकी एक कॉस्ट होती है जो फंड मैनेजर आपकी रिटर्न से एडजस्ट करता है, दैट इज द एक्सपेंस रेशो बेसिकली. तो एक्सपेंस रेशो जितना कम हो उतना अच्छा रहता है. मिड कैप कैटेगरी में एक्सपेंस रेशो 2.5 से 2.7 तक का मिल सकता है आपको. कंपेरेटिवली उसी, अगर आप उसे कंपेयर करते हो, तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का अगर डायरेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेगा 1.57, जो काफी अच्छा है. अब बात करते हैं फंड्स के कुछ रिटर्न्स की कंपैरिजन करते हैं. तो अगर आप 2014 में, 22 सितंबर 2014 में आप 10,000 रुपये मंथली का एक SIP सेट करते हो, और आप 22 सितंबर 2017 तक उसको कंटिन्यू करते, यानी 3 साल की अवधि की बात कर रहा हूँ मैं, 3 साल की अवधि में अगर आप SIP करते तो लगभग आप 360,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर चुके होते. लेकिन आज की उसकी अगर वैल्यू आप उसे कंपेयर करते, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते, तो लगभग आपको उसकी 360,000 रुपये की वैल्यू 5,39,759 रुपीज़ की होती. तो कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका होता. एट द लास्ट मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप एक बेसिकली आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपने पैसे पे रिस्क ले सकते हो, बट अगर लंबी अवधि के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड कैन बी अ गुड कॉम्बिनेशन इन योर पोर्टफोलियो. आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो. लॉन्गर टर्म में
फंड अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से जुड़ी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।